सरकार के वन परिवहन आवास पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र कवर्धा का दौरा किया और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत मानी कचौरी, ग्राम पंचायत कोको, धमकी सहित कुल 541 परिवार को नए राशन कार्ड बांटे। साथ ही मोहम्मद अकबर मानी कचौरी में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भी शामिल हुए। उन्होंने वहां विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद भी लिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि परिवार का नाम गरीबी रेखा में नीचे हो या ना हो, सबको राशन कार्ड बनाकर देंगे। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से 2018 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और 2019 से राशन कार्ड बनाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। लगभग सारे लोगों को 2019 में राशन कार्ड बनाकर दे दिया गया। अब 3 साल बीत गए, 3 साल बीतने के बाद नई परिस्थिति का निर्माण हुआ। परिवार बढ़ गया, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गया परिवार का। अब इस आवेदन इस प्रकार का है कि अब राशन कार्ड को तोड़ के 2 भाग में करना है। कुछ दिनों तक इस मामले में सरकार की तरफ से रोक थी, लगातार मांग आने के कारण हम लोगों ने इस बारे में राज्य सरकार के सामने आप सभी की बात पहुंचाई और फिर तय हुआ कि जो परिवार राशन कार्ड 2 भाग में बांटना चाहता है, बेटे की शादी के कारण, परिवार बढ़ने के कारण, उसको अनुमति दे दी जाए। और आज नए राशन कार्ड जितने भी बने हैं वो पूरा राशन कार्ड का वितरण अभी यहीं पे होगा। आप सबको इसलिए बुलाया गया है और आप सबसे ये निवेदन है कि जाने के पहले अपना राशन कार्ड अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं गाँव का नाम पढ़ के सुनाऊँगा, जिनको राशन कार्ड दिया जाना है उनका नाम पढ़ के सुनाऊंगा।